नमस्कार, मैं धर्मेंद्र शर्मा, विभाग अध्यक्ष रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। आज सब्जेक्ट कोड MR202 बेसिक एयर कंडीशनिंग के चैप्टर नंबर 2 जो कि ह्यूमन कंफर्ट के ऊपर है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जो कि आज हम करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो मानव का शरीर है वो मानव का शरीर आराम को किस तरीके से फील करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको आराम का अनुभव करवाते हैं, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि टेम्परेचर का मानव शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से मालूम होंगी, मगर टेम्परेचर का साइंटिफिक क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी के ऊपर, बॉडी किस तरह से बहुत कम टेम्परेचर को या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को रिएक्ट करती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो कि मानव के कंफर्ट को, मानव के आराम को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः ज़्यादातर लोगों की ये सोच होती है कि टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर से ही मानव के आराम का अनुभव होता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, ऐसे ही टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो भी आप डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। ये बात एक हद तक सही है कि टेम्परेचर एक फैक्टर है जो कि कंफर्ट की फीलिंग को इन्फ्लुएंस करता है, मगर ये इकलौता फैक्टर नहीं है। हमारे को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टेम्परेचर या तापमान वो इकलौता फैक्टर नहीं है जो कि मानव के आराम को प्रभावित करता है। टेम्परेचर के अलावा भी 3 फैक्टर हैं जो कि मानव शरीर के आराम को प्रभावित करते हैं। अब ये 3 फैक्टर्स कौन से हैं टेम्परेचर के अलावा? सबसे पहला है कि आपके आसपास वातावरण में जो वायु है उस वायु के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल, यानी कि आर्द्रता का लेवल क्या है। यदि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर, तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने पे और यदि टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा कि आपके शरीर से जो पसीना निकलता है वो पसीना निकलने की मात्रा आपको कम हो जाएगी और आपको अनकम्फर्टेबल फील होगा। तो खाली टेम्परेचर अधिक होने से अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा, टेम्परेचर के साथ साथ यदि ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हुई तो आप चिपचिपाहट महसूस करेंगे, आपके शरीर से जो है वो पसीना बाहर नहीं निकलेगा और आपको ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होगा, क्योंकि बॉडी से जो हीट का रिजेक्शन है वो हीट का रिजेक्शन कम हो जाएगा। इसी तरह से इसका विपरीत यदि देखें कि यदि ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत कम हो गया है तो उस केस में स्किन के ऊपर ड्राइनेस की जो खुश्की या शुष्कता जो होती है वो शुष्कता आपको स्किन के ऊपर फील होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमिडिटी का आसपास के वातावरण की वायु में एक प्रॉपर लेवल मेंटेन होना ज़रूरी है। यदि वो लेवल मेंटेन नहीं होगा तो आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, भले ही टेम्परेचर सही हो, मगर ह्यूमिडिटी का लेवल यदि सही नहीं है तो वो भी मानव के आराम को प्रभावित कर सकता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है एयर मूवमेंट, कि आपके शरीर के ऊपर से जो वायु निकल रही है उस वायु की गति क्या है। यदि वायु की गति बहुत ज़्यादा है तो आपको ड्राफ्ट की फीलिंग होगी, आपके बाल उड़ेंगे, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके कागज़ उड़ेंगे और आपको आराम की अनुभूति नहीं होगी। इसी तरह से यदि वायु की गति बहुत कम है तो उस केस में भी आपको कंफर्ट की फीलिंग नहीं होगी, डेडनेस फील होगी कि वायु के कोई भी सर्कुलेशन आपके शरीर के ऊपर से नहीं है। तो एक प्रॉपर वेलोसिटी कंडीशन स्पेस के अंदर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी शरीर को आराम की अनुभूति हो सकती है। कई बार आपने महसूस किया है कि जब बहुत सर्दियाँ होती है और सर्दी के मौसम के अंदर ही यदि हवा तेज़ी से चलने लग जाए तो आपको जो सर्दी की फीलिंग है वो सर्दी की फीलिंग ज़्यादा होने लग जाती है, भले ही जो तापमान है वो तापमान सेम हो। तो एयर की वेलोसिटी जैसे ही बढ़ गई वैसे ही आपको जो कोल्ड की फीलिंग है वो कोल्ड की फीलिंग बढ़ गई। तो इसलिए कंडीशन स्पेस जो है उस कंडीशन स्पेस के अंदर वायु की सही गति मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट जो पॉइंट है इसके अंदर वो लास्ट पॉइंट है एयर प्योरिटी, के जो भी कंडीशन स्पेस है उस कंडीशन स्पेस के अंदर ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, किसी भी तरह के बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए, फ्यूम्स नहीं होने चाहिए, स्मोक, स्मेल या दूसरी कोई इम्प्योरिटीज़ है तो ये इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी मानव के आराम को और साथ ही साथ आराम से ज़्यादा मानव की जो हेल्थ है, उसका जो स्वास्थ्य है, उसके स्वास्थ्य को भी
बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जो कि मानव के आराम को प्रभावित करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला टेम्परेचर, दूसरा वायु में विद्यमान नमी की मात्रा, तीसरा एयर का मूवमेंट, और चौथा एयर की प्योरिटी, वायु की शुद्धता। अब हम ये देखेंगे कि वायु का तापमान, एयर टेम्परेचर और मानव का स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ, इन दोनों के बीच के अंदर क्या रिलेशन है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ये दोनों ही दोनों मानव के आराम के लिए भी सही नहीं रहते हैं और साथ ही साथ मानव के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की, यानी कि अत्यधिक सर्दी पड़ रही है, तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, उस बॉडी को टेम्परेचर पे प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, जो कि आपको मालूम होगा कि जो स्वस्थ मानव शरीर का तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है जब ये जीप के नीचे मापा जाए। तो बॉडी के इस तापमान को मेंटेन करने के लिए जो आपका हार्ट है, जो आपका हृदय है, उस हृदय को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है, उसको ब्लड की ज़्यादा मात्रा सर्कुलेट करनी पड़ती है, जिससे कि बॉडी की जो हीट है वो बॉडी की हीट आपके मेंटेन रहे। कोल्ड एयर जो होती है वो कोल्ड एयर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, यानी कि श्वसन संबंधी जो नलियां हैं उनको प्रभावित करती हैं, और साथ ही साथ साइनस और ब्रोंकाइटल ट्यूब्स जो होती हैं उनको भी वो सिकोड़ती हैं। यदि बहुत ज़्यादा सर्द हवा के अंदर आप रहेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्द हवा में रहने से कोल्ड यानी कि जुकाम हो सकता है, और इसके बाद में इसके सेकेंडरी इन्फेक्शंस जैसे कि टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जो है, ये साधारण बीमारियां हैं जो कि अत्यधिक सर्द वायु के संपर्क पर रहने से हो सकती हैं। तो इसका मतलब यदि वातावरण में सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आपके हार्ट के ऊपर भी लोड पड़ेगा, और ठंडी वायु के संपर्क में आने से कई तरह की बीमारियाँ आपके शरीर को हो सकती हैं। इसी तरह से हम बात करें अत्यधिक गर्मी की, अत्यधिक गर्मी के अंदर क्या होगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गर्मी की वजह से राइज होगा। अब एक मानव यदि स्वस्थ रहना है तो उसके शरीर का टेम्परेचर जो है वो सामान्य जो टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब ये नहीं बढ़ना चाहिए, इसका मतलब कि शरीर से जो हीट है, जो एक्स्ट्रा हीट है, वो एक्स्ट्रा हीट शरीर से बाहर निकलनी चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा हीट के बाहर निकलने के जो मोड्स होते हैं वो होते हैं कंडक्शन, रेडिएशन और एवापोरेशन। तो इसके लिए वापस से आपका जो हार्ट है उस हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जो ब्लड का फ्लो है उस ब्लड के फ्लो को इंटरनल ऑर्गेन से डाइवर्ट करके बाहर की तरफ लेके आना पड़ता है। जो स्किन है उस स्किन के आसपास जो वेंस हैं उन वेंस को ऊपर लेके आना पड़ता है। तो इसका मतलब जो भी आपके वाइटल ऑर्गेन्स हैं, जो अंदरूनी जो आपके ऑर्गेन्स हैं, उन ऑर्गेन्स के अंदर ब्लड की कमी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लड है वो आपके आउटर पेरिफेरी जो है उस आउटर पेरिफेरी के ऊपर आ गया। इस ब्लड के लॉस की वजह से इंडाइजेशन यानी कि अपच, सरदर्द, सुस्ती और थकान की जो फीलिंग है, ये थकान की फीलिंग होती है। तो नॉर्मली आपने गर्मियों के अंदर देखा होगा कि गर्मियों के अंदर आपके जो खाने की क्षमता है वो कम हो जाती है, अत्यधिक गर्मी में रहने से आपका सर दर्द हो जाता है, आपको काम करने की इच्छा नहीं होती है, सुस्ती सी आती है, और थोड़ा सा काम करते ही आप उसके अंदर थक जाते हैं। तो ये जो सारे इंडिकेशंस हैं, ये सारे इंडिकेशंस हॉट वेदर के, अत्यधिक गर्मी के हैं। अब चूँकि आपको जो अपच है वो हो जाती है, आप जो खाते हैं वो बहुत ज़्यादा आपका हजम नहीं हो पाता है, आपका हजमा दुरुस्त नहीं रहता है, इसकी वजह से जो शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, जो आहार आपको मिलना चाहिए, वो प्रॉपर आहार आपको नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गर्मियों के दिनों के अंदर कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा और ऐसी ठंडी चीज़ें पीने की इच्छा जो है वो ज़्यादा होती है, मगर इन चीज़ों के अंदर प्रोटीन कंटेंट्स कम होते हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें दिन भर लेंगे तो आपके शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन की आपके शरीर के अंदर कमी हो जाएगी। इसी के साथ ही यदि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी लेवल भी ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर बॉडी से ना तो कंडक्शन और रेडिएशन के द्वारा हीट रिजेक्ट होगी, और यदि ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई तो एवापोरेशन के द्वारा भी हीट रिजेक्ट नहीं हो पाएगी। अब शरीर से जब हीट रिजेक्ट हो नहीं रही है तो उस केस में क्या होगा
कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बॉडी का टेम्परेचर सामान्य टेम्परेचर यानी कि 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट से बढ़ेगा और वो कंडीशन कहलाती है बुखार की कंडीशन, की फीवर जो है वो फीवर आपको हो जाएगा यदि आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है और ह्यूमिडिटी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। जो ह्यूमन बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस की वजह से जो भी आप खाना खाते हैं वो जब हजम होता है तो उसकी वजह से हीट जनरेट होती है। इसके साथ ही साथ बॉडी जो है वो बाहर के वातावरण से भी हीट को गेन करती है। साथ ही साथ जो हीट की मात्रा है वो हीट की मात्रा आपका शरीर क्या कार्य कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा हैवी वर्क कर रहे हैं तो हीट की मात्रा ज़्यादा जनरेट होगी, कम कर रहे हैं तो हीट की मात्रा थोड़ी कम जनरेट होगी। मगर यदि आप मॉडरेट एक्टिविटी भी कर रहे हैं जैसे कमरे के अंदर बैठे हुए हैं या पढ़ रहे हैं या कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं तो एक मानव के शरीर से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट एक 200 वाट के इलेक्ट्रिक बल्ब से प्रोड्यूस होने वाली हीट के लगभग बराबर होती है। इसका मतलब कि एक 200 वाट का इलेक्ट्रिक लैंप जितनी हीट रिजेक्ट करता है उतनी ही हीट एक स्वस्थ मानव का शरीर भी करता है यदि वह सामान्य कार्य कर रहा है। ये जो हीट है ये सारी की सारी हीट आपके जो ब्लड है उस ब्लड के एक्सेस सर्कुलेशन से वातावरण के अंदर जाती है। तो इसका मतलब कि यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर भी आपके शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो ये दोनों ही हार्ट के ऊपर लोड डालती है। यानी कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन हार्ट पेशेंट के लिए अत्यधिक सर्दी और अत्यधिक गर्मी दोनों ही बहुत खतरनाक होती है, दोनों ही बहुत डेंजरस होती हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि खास करके बुजुर्गों के अंदर जिनके अगर ये हार्ट जो है वो वीक हो जाता है उनके अंदर मृत्यु दर जो है वो अत्यधिक गर्मी के दिनों में और अत्यधिक सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए यदि उनको आप एयर कंडीशन वातावरण में रखेंगे तो जो अत्यधिक सर्दी और अत्यधिक गर्मी के जो इल इफ़ेक्ट्स हैं जो कि शरीर को ऊपर पड़ रहे हैं वो शरीर को ऊपर नहीं पड़ेंगे और उनको ऊपर हार्ट पे जो लोड है वो हार्ट पर लोड कम पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ में जो अत्यधिक मॉइस्चर जब होता है वातावरण के अंदर तो उस केस के अंदर आपके शरीर से पसीना नहीं निकल पाता है। अदरवाइज़ यदि वातावरण के अंदर नमी की मात्रा कम है तो शरीर अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना निकालता है शरीर में से, और ये जब पसीना बॉडी के ऊपर से एवापरेट होता है तो बॉडी आपकी ठंडी होती है और टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है। तो ये बॉडी का एक सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जिसके के द्वारा वो शरीर के तापमान को नियत करता है। मगर इसका दूसरा प्रभाव क्या होता है कि जब पसीना आपके शरीर से बाहर निकलता है तो पसीना निकलने के साथ साथ बॉडी से साल्ट्स और मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं। अब इन साल्ट्स और मिनरल्स की जो पूर्ति है वापस से वो उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती जितनी तेज़ी से शरीर से बाहर निकल रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो उस केस के अंदर आपके मस्कुलर फैटीग और क्रैम्प्स यानी कि हिंदी में जिसको बायटे बोलते हैं वो इसके अंदर होना आपके शुरू हो जाता है। इसी के साथ अगर आपके जो मसल एक्शन है वो मसल एक्शन भी प्रॉपर नहीं रह पाता है यदि आपके शरीर से साल्ट ऑफ पोटेशियम या दूसरे मिनरल्स की कमी हो जाएगी। तो इसलिए गर्मी के दिनों के अंदर कहते हैं कि आपको समय समय के ऊपर लिक्विड लेते रहना चाहिए, नमक चीनी का घोल लेते रहना चाहिए जिससे कि शरीर के अंदर से आपके साल्ट्स और मिनरल्स की कमी ना हो। बहुत ज़्यादा गर्म मौसम में जब भी आप बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलने से पहले आप लिक्विड जो है वो लिक्विड अपने शरीर के अंदर प्रॉपर रखें जिससे कि आपके शरीर से जो पसीना निकल रहा है उस पसीना निकलने की वजह से आपके शरीर के अंदर मिनरल्स की कमी ना हो जाए। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिड जब वेदर होता है तो आपके सामान्य जो सोने की आदत है जो आपके नींद जो है उस नींद के अंदर भी खलल पड़ता है। अनकंफर्ट की वजह से आपको नींद कम आती है। जब नींद कम आएगी तो बेसिकली जब भी हम सोते हैं तो सोते वक्त के अंदर हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर होने का उस वक्त मौका मिलता है। तो यदि नींद कम आएगी तो शरीर के ऑर्गन्स और टिश्यूज जो हैं उनकी रिपेयरिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी जिससे कि हमारे को अगले दिन जब हम उठेंगे तो हमारे को थकान सी महसूस होगी, आप फ्रेश नहीं होंगे और अगले दिन का काम करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार नहीं पाएंगे। इसकी जगह यदि आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट पर रहते हैं, अगर टेम्परेचर सही है,
इम्यूनिटी लेवल सही है तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, तो आपके बॉडी जो है वो बॉडी आपको बॉडी अपने आप को वापस से उस ड्यूरेशन में रिपेयर कर लेगी और आप वापस से काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी से रिलेटेड थे। थैंक यू।